और पाकिस्तान से अहम खबर है, यहां 35 दिनों में चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 234 रुपए से बढ़कर 248 रुपए प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल पाकिस्तान में। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इमरान खान की सरकार पर महंगाई का ठीकरा फोड़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम एक बार फिर आसमान छू गए हैं। 15 दिन बाद 14 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं। इसके बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 234 रुपए से बढ़कर 248 रुपए हो गई है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आम जनता को एक बार फिर शहबाज सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 35 दिनों में चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों के बजट बिगड़ गए हैं। यही नहीं, महंगाई के और बढ़ने के आसार हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल तर्क देते रहे कि पिछली इमरान सरकार ने सब्सिडी देकर जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें कम की और मौजूदा सरकार उसका खामियाजा भुगत रही है। बहरहाल पेट्रोल के दाम बढ़ने से एक बार फिर पाकिस्तान में बवाल के पूरे आसार हैं। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए लगातार आम लोगों पर शहबाज सरकार बोझ डाल रही है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। पावर प्लांट से लेकर फर्टिलाइजर और LNG की कमी से भी जूझना पड़ रहा है।